अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम ये नेक डिज़ाइन बनाएंगे और ये हमने लूप के साथ तैयार किया है। कितना खूबसूरत हमारा डिज़ाइन बना है, तो आपको वीडियो को इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरी देखना है और लाइक भी ज़रूर करना है और साथ ही कमेंट करके मुझे बताना है आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बुकरम का पीस ले लिया है। इसकी स्टिकी साइड मैंने नीचे की साइड रखी है। इसकी लंबाई हमारे पास 9.5 इंचीज़ है और इसकी चौड़ाई जो है 8.5 इंचीज़ है। अब हमने इसे बीच से फोल्ड कर लेना है और इसकी स्टिकी साइड को अंदर करना है। नेक की चौड़ाई के लिए 3.5 इंचेस पर यहाँ पर मार्क किया है और नीचे की साइड भी 3.5 इंचेस पर मार्क किया है। नेक की गहराई के लिए 5.5 इंचेस पर मार्क किया है और एक मार्क हमने 7.5 इंचेस पर किया है। अब स्केल ले लेते हैं और इस तरह से इस लाइन को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद अब हम एक राउंड शेप देंगे और हमारे पास ये नेक की एक राउंड शेप आ जाएगी। अब हमने यहाँ पर हाफ इंच पर इस तरह से मार्क किया है, ये देखिए इस तरह से, और नीचे की साइड भी इसी तरह से मार्क कर लिया है। अब इसकी भी लाइन को मिला देते हैं और इस तरह से हमारे पास इसकी भी शेप आ गई है। अब थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से यहाँ पर एक और मार्किंग करेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह हमारे पास ये नेक की कटिंग आ जाएगी। अब इसे एक कपड़े पर पेस्ट कर लिया है और थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े की कटिंग भी कर ली है। अब मार्जिन को हम बुकरम के ऊपर फोल्ड करेंगे और यहाँ से बिल्कुल इसके किनारे पर एक स्टिच लगा देंगे। इस तरह से स्टिच लगाने के बाद हमारा जो ये नेक है, इस तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे और फिर इसको हम अपनी कमीज़ के साथ अटैच करेंगे। ये देखिए ये तैयार हो गया है। अब हम अपनी कमीज़ ले लेते हैं। ये हमने कमीज़ की सीधी साइड ली है और ये जो हमने नेक तैयार किया है इसकी उल्टी साइड हमने ऊपर की साइड रखी है और इस तरह से रखने के बाद इसको पिनअप कर लेना है और यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे स्टिच लगाना है। ये देखिए हमने इसके बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे स्टिच लगा ली है। इस तरह से स्टिच लगाने के बाद हम इसको इस तरह रख लेंगे और रखने के बाद इसके पिन जो है उनको रिमूव कर देंगे और पिन रिमूव करने के बाद थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए इसके अंदर से कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए हमने कटिंग की है और कटिंग करने के बाद इसका जो है अंदर की साइड हमने ये छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने में क्या होगा कि जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये बहुत सफाई के साथ हमारा फोल्ड होगा। ये देखिए इसके जो कोने हैं हमें कैंची की नोक से अच्छे से निकाल लेने हैं। अब इसको प्रेस से अच्छे से बिठा लेते हैं। ये अब हमारा ये प्रेस से भी अच्छे से बैठ गया है और हम नीचे की साइड इस पर तुरपाई कर लेंगे। अब हम एक पेपर लेंगे, पेपर को जो हमने ये इस तरह से यहाँ पर कट लगाया था इस पर इसको इस तरह से रखेंगे पेपर को, और एक इसकी जो शेप है वो हम इसको पेपर पर ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इसकी जो शेप है ये हमारे पेपर पर आ गई है। अब इस पर जो हमें डिज़ाइन बनाना है उसके लिए हमने डोरी तैयार की है। ये देखिए डोरी को मैंने दो साइज़ में लिया है। इसको नाप करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे पास ये क्या क्या साइज़ हैं। ये देखिए इस एक जो हमारे पास बड़ी डोरी है वो हमारे पास 3.2 इंचज़ की है और जो हमारे पास छोटी डोरी है वो 2.7 इंचज़ है। और इस तरह से हमने दो डोरी एक साइज़ की और दो डोरी एक साइज़ की बनाई है। तो हमें इनको इस तरह से रखना है कि हम पहले पेपर को रखेंगे, पेपर के ऊपर पहले बड़ी जो डोरी है उसको हम यहाँ से स्टिच करेंगे और इस तरह से लूप बनाएंगे। और इसके बीच में मैंने एक इस तरह से ये मार्क किया है, इसी के हिसाब से हमें इस डोरी को लूप बना करके लगाना है। तो पहले हम बड़ी डोरी रखेंगे और फिर हम छोटी डोरी रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से स्टिच लगा देंगे। और जो हमने ये मार्क किया है इस मार्क से बिल्कुल अंदाज़ा लेते हुए हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। ये देखिए इसी शेप के अंदर हमें इसको जो लूप है इसको फोल्ड करके लगाना है। तो हमने छोटा लूप फोल्ड करके लगा दिया है। अब जो हमने बड़ी डोरी लगाई थी उसको भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से करते हुए स्टिच लगा देंगे। तो हमारा एक साइड का जो लूप है हमने बना लिया है। अब हमें इसी तरह से दूसरी साइड पर भी लूप लगाने हैं। पहले हम बड़ी डोरी को रखेंगे और फिर हम छोटी डोरी को रखेंगे और फिर यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। ये देखिए बड़ी डोरी ले लेनी है, बिल्कुल इस डोरी के सामने हमें इसको रखना है और यहाँ पर स्टिच लगा देनी है। अब हमें छोटी डोरी लेनी है और वो भी हमें बिल्कुल छोटी डोरी के ठीक सामने इस तरह से अंदाज़ा करते हुए रख लेनी है और स्टिच लगा देनी है। अब ये हमें बहुत ध्यान से देखना है कि हमें इसको किस तरह से इसके अंदर लगाना है। तो हम सबसे पहले जो बड़ी डोरी है, बड़ी डोरी को, ये जो बड़ी डोरी है इसके नीचे से इस तरह से निकालेंगे और फिर जो हमने छोटा लूप बनाया था उसके नीचे से इस तरह से निकालेंगे और फिर से इस तरह से करते हुए बड़ी डोरी के ऊपर से हम इसको इस तरह से रखेंगे और ये जो हमारे पास छोटी डोरी है इसको, ये वाली जो है
इसको हम बड़े लूप के नीचे से निकालेंगे। ये देखिए, इसके बड़े वाले लूप के नीचे से हम इसको निकालेंगे और इस तरह से निकालते हुए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से स्टिच लगा देंगे। तो इसे पहले हम छोटी वाली डोरी पर स्टिच लगाएंगे, फिर हम बड़ी वाली डोरी पर स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से पहले बहुत अच्छे से हम सेट कर लेंगे और फिर सेट करने के बाद तब हम इस पर स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारा जो लूप है वो बन गया है। कितना खूबसूरत हमारा ये लूप बना है और इस तरह से हमें इसको स्टिच लगा देना है। ये देखिए, ये हमारा बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल सा जो डिज़ाइन है वो बन करके हमारा नेक का तैयार होगा। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये लूप बन गया है। अब इसकी जो एक्स्ट्रा डोरी है उसको हम कट कर देते हैं। ये देखिए, इसको एक सार करने के बाद अब हमने अपने नेक के साथ इसको अटैच करना है। तो हमने जो शेप पेपर के ऊपर ली थी उसी शेप को हम वापस से जो हमारा नेक है इसके अंदर अच्छे से सेट करेंगे और सेट करते हुए बहुत अच्छे से पिनअप कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये पिनअप हो जाएगा और ये हमारी बिल्कुल शेप इसके अंदर आ गई है। और पिनअप करने के बाद अब जब हम इस पर स्टिच लगाएंगे तो ये हमारा बहुत ही आसानी के साथ हमारा जो डिज़ाइन है वो बन करके तैयार होगा। ये देखिए, इस तरह से अब हमें यहाँ पर किनारे पर स्टिच लगा देनी है और स्टिच लगाते हुए हमें अपना जो डिज़ाइन है उसको भी इसमें अच्छे से सेट कर देना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको स्टिच लगा ली है। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल का एक बार ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। अब ये हमने पिन को रिमूव कर देना है स्टिच लगाने के बाद और पेपर को भी अच्छे से हम रिमूव कर देंगे और हम यहाँ पर इसकी तुरपाई कर लेंगे तो हमारा जो नेक है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा बनकर के तैयार हो जाएगा। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलती हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।